प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विकांत कुमार, आप जो है पिछले वीडियो में आपने ट्रायंगल देखा था यानी रीजनिंग का। अब हम लोग यानी पार्ट वन आप देख चुके हैं, हम लोग आज पार्ट टू देखेंगे। तो वो भी जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि SSC रेलवे सारे में पूछ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। जिनको और भी वीडियो चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं चलता हूँ क्वेश्चंस यानी ट्राइंगल में। देखिए ध्यान से बच्चों, मैं किस तरह से यानी ट्राइंगल में जो आपके पास क्वेश्चन निकालना है वो बता रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए सवाल एक नंबर। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें ये कह रहा है ट्रायंगल क्या हुआ। तो प्यारे बच्चे जो नए हैं, देखिए ध्यान से समझ लीजिए बात को। पहले देखिए, ऐसा जहां भी होगा तो इसमें तीन ट्रायंगल होते हैं, कैसे, एक दो और एक तीन, ये आपका बेस है बच्चों। उसके बाद अगर ऐसे रहेंगे यानी कि वर्ग रूप में, देखिए ऐसा या ऐसा भी, तो देखिए नंबर दीजिए एक दो तीन और चार, बड़े नंबर में यानी दो से गुना, यानी चार में दो से गुना कितना बच्चों, आठ। तो इसमें देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, एक दो तीन चार और चार इसमें और दो यानी कि गुना आठ, यानी इसमें आठ तो इसमें बच्चों कितना आठ। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है बच्चों, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल हो चुका आठ, आठ सोलह हो चुका बच्चों, एक सत्रह, एक अठारह, एक उन्नीस और एक बीस। अब बीस के देखिए बात बच्चों, डबल बन रहा है। देखिए कहां पे मैं हिडन फिगर है, मैं उसको देखिए आपके पास दर्शा रहा हूं बच्चों। देखिए एक ये ट्राइंगल है, देखिए बच्चों इस पे चला दिया मैंने, एक ये ट्राइंगल है, देखिए जस्ट इसके ऊपर देखिए ऐसे, देखिए ध्यान से एक, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, यानी 20 और दो कितना 22। तो प्यारे बच्चों हम लोग का जो ये हुआ यानी कि ट्रायंगल में, तो इसमें नंबर ऑफ, चलिए बच्चों इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज यानी ट्रायंगल पूछ जा रहा है बच्चों, यानी इसमें ट्रायंगल पूछ जा रहा है। देखिए कितना आसान सवाल है, आप देखो मैं यूज ले रहा हूं कौन कौन से फिगर। देखिए ये वाला में रहता है ऐसा तीन, अगर ऐसा रहेंगे बच्चों तो यानी कितना आठ, अभी बताया मैंने। देखिए ये वाला फिगर ये है, देखिए ये जो है, देखिए ध्यान से ये वाला फिगर है, तो यानी इसमें पूरा कितना आठ। अब देखिए ध्यान से, आप ये वाला देखिए ऐसा फिगर, ये तीन यानी देखिए एक दो और एक तीन, तीन यहां भी बच्चों, तीन यहां भी, तो बच्चों तीन यहां भी और तीन यहां भी। देखिए तीन तीन छ, तीन नौ, तीन बारह और ये अंदर वाला आठ, तो बारह प्लस आठ यानी कि
आपके पास जो आंसर हो बच्चों ये कितना होगा 20। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे एकदम अच्छे ढंग से। मैं सारे क्वेश्चंस ये प्रीवियसली लिख रहा हूं बच्चों, चलिए आगे चलता हूं मैं। चलिए बच्चों देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए आप, ये कैसे बनाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए मैं अभी आपके पास यूज बताया है कि देखिए ऐसे वाला फिगर में तीन दिखेंगे बच्चों और ऐसे वाला आपको कितना आठ दिखेंगे। कैसे, एक दो तीन चार, चार में दो से गुना यानी आठ, और ऐसे वाला ट्रायंगल में रहे तो जोड़ देंगे दो और एक तीन। देखिए खोजेंगे बच्चे हम लोग, इसमें ढूंढेंगे कहां पे ऐसे फिगर हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये जो है आपको देखिए वर्गाकार वाला है, एक दो तीन चार और चार गुना आठ। देखिए सेम बच्चों देखिए ये वाला, ये भी आपके पास देखिए एक दो तीन चार, चार गुना आठ बच्चों, आठ आठ सोलह, सत्रह अठारह उन्नीस बीस, यहां तक बच्चों पता है बीस तक। अब बीस के बाद जो बच्चों देखिए पूरे बड़ा, देखिए मैं नहीं समझ में आ रहा उस पर हिडन कर, देखिए ये वाला जो बड़ा है देखिए बड़े वाला है, ये बड़ा वर्ग है, इसमें दो जगह डिवाइड किए हुए हैं। देखिए दो जगह देखिए ऐसा, देखिए ऐसा बच्चों यानी एक दो तीन चार, देखिए ये पूरे होगा एक, ऐसा दो तीन चार और चार में दो सौ गुना आठ यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। कैसा, ऐसा कैसे, देख लीजिए ध्यान से, एक दो तीन चार, चार गुना आठ यानी बीस और आठ अट्ठाईस, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है बच्चों यानी 28 होगा। चलिए बच्चों देखिए ये मेरे पास पिक्चर है, ध्यान से और गौर से देखें, इसमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो पहला बच्चों देखिए बहुत ही आसान है, देखिए बार बार मैं बता रहा हूं कि आपका यूज देखिए कैसे चल रहा है, ऐसा वाला फिगर में याद ही रख लीजिए आप आठ है, और ढूंढिए बच्चों देखिए ये वाला जब ढूंढेंगे देखिए इस वाला फिगर में देखिए एक दो तीन चार और चार में दो सौ गुना आठ यानी इसमें अभी तक मेरे पास आठ आ चुके हैं। अब देखिए बड़े वाला पे चलते हैं बच्चों, देखिए इस वाला जो है ये क्रॉस है, एक दो तीन चार, चार दुना आठ, आठ वो आठ बच्चों सोलह, एक बच्चों ये है देखिए ये वाला ध्यान से, सिर्फ ये सोलह एक सत्रह, लेकिन जब ये फिगर ज्वाइंट होंगे बच्चों तो एक और बन जाएगा, तो यानी सोलह और दो कितना बच्चों अठारह होंगे। देखिए एक्स्ट्रा आठ आठ अंदर इसमें और ये आठ सोलह, एक सत्रह बच्चों और ये एक बनाएंगे बच्चों, सोलह और दो कितना अठारह होगा। मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही रख लो बच्चों ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। चलिए प्यारे बच्चों देखिए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछा जा रहा है, आप गौर से देखें प्यारे बच्चों इस पिक्चर को, ध्यान से देखें और नंबर ऑफ ट्रायंगल देखिए मैं गिनता हूं बच्चों, देखिए बहुत ही आसान है, यूज क्या लिख रहा हूं मैं बार बार आपके पास बता रहा हूं बच्चों, ऐसा वाला फिगर में आठ दिखेंगे। देखिए बच्चों ये वाला इस फिगर में आठ है, एक दो तीन चार, चार दुना आठ, यहां तक बच्चों सही है। देखिए एक बच्चों ये बन रहा है, ठीक है ध्यान से देखिए, आठ बाद नौ और ये एक दस, दस के बाद एक ये ग्यारह, ग्यारह और इसके बाद एक देखिए ये कितना बड़ा वाला, ग्यारह और एक बारह, अब बारह के बाद देखिए डबल चला रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, बारह एक तेरह, और देखिए ध्यान से एक ये बन रहा है बच्चों यहां से यहां, और देखिए ये किए तीन कोना वाला, तो बारह और दो चौदह, देखिए आठ इसमें था बच्चों, एक ये वाला नौ, एक ये दस, और देखिए एक ये ग्यारह और ये एक बारह, अकेला ये तेरह, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, तेरह और एक कितना चौदह। तो प्यारे बच्चों हम लोग का जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो रहा है वो कितना 14 यानी कि 14। अब आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों
लेकिन ध्यान से गौर से देखिए सवाल को, अच्छे से बात कीजिए, पता चलेगा कि क्या है नंबर ऑफ ट्रायंगल, यही नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें पूछा जा रहा है बच्चों। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, देखिए मैं क्या क्या यूज ले रहा हूं ध्यान समझिएगा, मैं आपके पास बार बार मैं लिखता हूं यूज, देखिए ध्यान से ये है, ठीक है बच्चों, ऐसा वाला फिगर में कितना लिखते हैं बच्चों, 8। अच्छा एक बात मैंने और बताया है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होंगे तो यानी कि 1, 7, 4 और ये की बड़े वाले कितना 4 है 5। देखिए किसे गिना दे रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4 और एक बड़े वाले कितना 5। अब मेरे पास यही यूज हो रहा है, देखिए ध्यान से 1, 2, 3, 4 और ये देखिए ये 5, तो ये 5 सेम फिगर यहां बच्चों, 5 यहां भी 5 यहां भी 5, 5 × 20 क्योंकि 5 × 4 = 20। अब देखिए ये वाला बच्चों, ये फिगर देखिए ध्यान से, ये वाला जो फिगर बच्चों देखिए ये वाला है, यानी 1, 2, 3, 4 और 4 × 2 = 4 यानी 4 × 2 = 8, तो 20 और 8 कितना बच्चों 28। तो मेरा नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है बच्चों कितना 28, क्यों, देखिए ऐसा वाला फिगर में 1, 2, 3, 4 एक बड़े वाले 5, देखिए 5 यहां है बच्चों, 5 यहां भी, 5 यहां भी, 5 यहां भी, तो 5 × 20 बच्चों, ऐसा वाला फिगर 8 यानी 20 और 8 28। तो प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बच्चों पूछ जा रहा है। देखिए नंबर ऑफ जो ट्रायंगल पूछ जा रहा है तो आप क्या करेंगे और किस तरह से, देखिए प्यारे बच्चों मैं यूज दिख रहा हूं, देखिए कैसे दिख रहा है, ये वाला फिगर दिख रहा है और ये वाला फिगर में कितना होता है बच्चों 8। देखिए ध्यान से मैं वहां पे लगा दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से ये वाला है 1, 2, 3, 4 और 4 × 8 यानी 8 है ऐसा बच्चों, देखिए ध्यान से यहां पे ये है यानी 8, 8, 8 बच्चों 16। देखिए एक यहां पे ट्रायंगल, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है बच्चों, 1, 1, 1, 1, 1, 1 जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 8, 8 कितना हो चुका 16 और 16 और 6 यानी कि 22 हो चुका है बच्चों। 22 के बाद देखते हैं हम लोग कहां कहां बन रहे हैं, तो केयर कीजिएगा ध्यान से बच्चों, देखिए ध्यान से मैं उस पर डबल लाइन चला रहा हूं, देखिए ध्यान से ये वाला फिगर बच्चों, देखिए ये किया है बच्चों, देखिए ध्यान से केयर कीजिएगा, देखिए मैं यहां चला दे रहा हूं, देखिए बच्चों 1, 1, 2 हो चुका है। अब ध्यान से देखिए बच्चों सेम ऊपर भी ऐसा ही बनेगा, देखिए ऐसे, तो देखिए ध्यान से ऐसा ही बनेगा, कितना हो चुका बच्चों यानी कि 2 इस साइड 2 इस साइड 4 यानी कि 16 × 4 = 20 और 6 × 26 दो फिगर अभी और बच्चों, इन दोनों को समेटिए, देखिए इन दोनों को एक बार, इन दोनों को एक बार समेटिए बच्चों, इन दोनों के एक बार समेटिए, तो यानी कि 16, 6, 22 और 22, 6 कितना बच्चों 28। देखिए 8 इसमें बना बच्चों, 8 इसमें बना, 8, 8 बच्चों 16। अब 16 के बाद ध्यान देंगे बच्चों, एक ये बना और देखिए एक ऐसे, 2 इधर बना 2 उधर ही बनेगा यानी कितना 4। अब देखिए एक ये वाला बच्चों, दोनों ज्वाइंट करके ये वाला और एक ये, देखिए टोटल बने नंबर ऑफ कितना 28। 16 जोड़ा मैंने, 2 वाला इधर और 2 4 जोड़ा इधर मैंने बच्चों, और देखिए 6 वाला कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 जो बने ये वाला बच्चों, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बच्चे ये कितना 28। चलिए प्यारे बच्चों मैं आपके पास सवाल रखा, देखिए ध्यान से, इसमें यह पूछा जा रहा है बच्चों कि नंबर ऑफ त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिए और गौर कीजिए आप, देखिए बार बार मैं बता रहा हूं बच्चों कि देखिए सवाल जो भी नए आते हैं
वो चेंज फॉर्मेट नहीं रहते हैं, सिर्फ वही है आपको यूज करना सीखना है। ऐसा वाला फिगर में आठ है, एक दो तीन चार, और चार में 200 गुना हमने सिखाया है। ध्यान से देखिए, पीछे वीडियो जाइए, पार्ट वन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखिए। चलिए बच्चों देखिए, ये पूरा देखने ध्यान से, एक लाइन दो लाइन है, यानी टोटल कितना आठ बन चुके हैं बच्चों। एक दो तीन चार हो चुके हैं बच्चों, और चार इसमें है, एक दो तीन चार, नीचे भी सेम एक दो तीन चार। देखिए ध्यान से, टोटल आठ है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आठ और चार बच्चों कितना बारह, यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होंगे बच्चों वो कितना होंगे बारह। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, और वो भी आप बुक में मिलाएं और देखें क्या सवाल की यानी स्थिति है। आप भी प्रैक्टिस करो, जो भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करो और बताओ कि कौन सवाल किस तरह नहीं बन रहा है, मैं जरूर आपके पास रिप्लाई दूंगा। और आपका क्वेश्चन डाउट भी होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हो बच्चों, 6200614721, इस पे भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम नंबर भी देख सकते हैं बच्चों। इस पे क्या होगा कि आप जो है क्वेश्चन करें, डाउट अगर हो तो मैं आपके पास यहाँ पे यानी दोबारा से क्वेश्चन आपको फिगर बना के और पूरा वीडियो बना के दूंगा। चलिए बच्चों आगे चलता हूं मैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सवाल को गौर से देखें। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है बच्चों। देखिए हम लोग यहाँ पे यूज क्या ले रहे हैं, समझिए भाग को, ध्यान समझिए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल में क्या यूज होने वाला है। देखिए ये यूज होने वाला बच्चों, ऐसा वाला फिगर में मैंने तीन, और देखना है कि ऐसा फिगर कहाँ चल रहा है। देखिए बच्चों ये तीन दिखेगा, इसमें भी तीन दिखेगा, और देखिए बच्चों देखिए ये वाला, और इसमें भी ऐसा है, यानी कि इसमें भी तीन दिखेगा बच्चों। ये पूरे बड़े वाला में ये भी तीन, देखिए कितने जगह, एक ट्राइंगल दो तीन, और सब में तीन तीन बना हुआ है, और यहाँ तीन, यानी तीन जगह नहीं चार जगह, और चार तिया कितना बारह। दोबारा ध्यान दीजिए, एक दो तीन है ये, देखिए ऐसा वाला फिगर बच्चों, ये तीन छ, ये देखिए बच्चों इसमें भी तो बीच में लाइन कटा हुआ ही है, तो कितने बनेंगे तीन बनेंगे इसमें बच्चों। ये पूरे वाले में यहां से यहां तक ये लाइन नीचे तक है, यानी तीन इसमें भी, तीन तीन छ, तीन नौ और तीन बारह। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होंगे बच्चों वो कितना 12 होंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और देखिए ध्यान से अंत तक देखिए, अभी एक से एक आपके पास कंसेप्ट, क्योंकि अभी जो बता रहा हूं मैं वो वर्ग बनाने वाला हूं, लेकिन एक दो और देखता हूं बच्चों। चलिए चलिए प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा कंसेप्ट है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ त्रिभुज, तो प्यारे बच्चों देखिए मैं क्या यूज ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा पिक्चर बताया कुछ देर पहले। देखिए कंसेप्ट कहीं भी चेंज नहीं कर रहा बच्चों, जो कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट में मिला रहा हूं, कहीं भी अलग नहीं दे रहा हूं। देखिए जब भी ये कंसेप्ट पीछे वाले वीडियो यानी पार्ट वन में बताया मैंने, देखिए वन टू थ्री सारे को जोड़ दीजिए, तीन दो पांच और ये कितना छह, यानी ऐसा, अगर ऐसा रहे देखिए चार, चार तीन सात, दो नौ एक दस, यानी यूज हम लोग यही पैटर्न ले रहे हैं बच्चों। देखिए सेम, देखिए ये अगर नीचे है, देखिए ऊपर कर देंगे इसको, देखिए एक दो तीन, ये एक दो तीन बच्चों, तीन दो पांच और कितना छह, यानी नीचे में कितना छह, तो ऊपर भी देखिए बच्चों एक दो तीन और तीन दो पांच है कितना छे, तो यहां भी बच्चों छे। अब देखिए ध्यान से इस पे भी अलग बना, देखिए एक तो ये ऐसे बन रहा है ये, लेकिन ऊपर से कटिंग दिया था, यानी एक दो तीन, तीन दो पांच अब कितना छे, यानी छे ऊपर ही बच्चों छे, देखिए इसमें भी बड़ा पूरे बड़े वाला में छे, और ये नीचे छे, यानी छे छे छे, यानी तीन बार छे, तो छह गुना तीन यानी 18, यानी कि 18 हम लोग का क्या हुआ बच्चों ट्राइंगल हुआ। तो ऐसे ही देखते रहे, कंसेप्ट एक से एक दूंगा। तो प्यारे बच्चों मैं अब आपके पास यानी कि वर्ग में गिनती करवा रहा हूं कि वर्ग गिनती कैसे की जाती है। तो प्यारे बच्चों देखिए वर्ग की गिनती करना
बहुत ही आसान है। देखिए वर्ग में क्या प्रॉब्लम है आपको, सबसे पहला देखिए यही है वर्ग, ये वर्ग है ठीक है, जिसमें चार कोना हो, प्रत्येक 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों वर्ग। लेकिन क्वेश्चन जो पूछे अपने एग्जाम में, पहले आपको मैं बेसिक सिखाता हूं बच्चों, और यही बेसिक हम लोग को कैसे करना है क्वेश्चन में वो सीखेंगे। पहले देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए ऐसा, देखिए ध्यान से आप बच्चों, ये है, ये बच्चों, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्ग ज्ञात करें। देखिए बच्चों, या आपके पास ऐसा भी कह सकता है नंबर ऑफ वर्ग ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो कह रहा है आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ वर्ग, पहले आपको मैं गिन के दिखाता हूं बच्चों ये कैसे हो रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो चुके हैं ठीक है बच्चों, कितना बार, चार बार, और ये एक बड़े वाले कितना बार, पांच बार ठीक है बच्चों, एक दो तीन चार, एक बड़े वाले पांच। लेकिन देखिए कितना काउंट करोगे टाइम काफी जाएगा बच्चों। देखिए ऐसा ना करें, सबसे पहले ऊपर का लाइन देखिए, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि आप सीधा सीधा जानिए ऊपर के बॉक्स एक दो तीन, नीचे के बॉक्स भी एक दो तीन होना चाहिए। अब कभी कभी नहीं भी होगा बच्चों, मैं उसका डिफाइन करूंगा, पहले आप बराबर है ऑलरेडी, यानी कि एम क्रॉस एम में, यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि ऊपर की लाइन भी सेम है, नीचे की लाइन भी सेम है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए नंबर दे लेंगे एक दो तीन, इधर भी तो है, इधर जरूरत नहीं, कहीं एक तरफ दे लो, इनका वर्ग कर दे, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, और कितना, थ्री स्क्वायर। अब सबको जोड़े, तीन का वर्ग बच्चों नौ, दो का वर्ग बच्चों चार, एक का वर्ग बच्चों एक, तो नौ और चार तेरह, और एक कितना, चौदह। यानी नंबर ऑफ, यानी स्क्वायर जो होगा बच्चों, यानी कि वर्ग जो होगा वो कितना, यानी चौदह। देखिए आप इसमें पांच गिन के दिखाए मैंने, वन और टू, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, फोर और वन, चार और एक बच्चों कितना, पांच। यानी कि इस तरह से अगर देखें तो नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितना, पांच। तो एक दो में और देखता हूं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस सवाल पे बच्चों हम लोग काम करेंगे। देखिए आप कॉपी लेते ही बैठे हैं क्योंकि आपके पास बहुत ही आसान सवाल आएंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। चलिए बच्चों देखिए, ऊपर के बॉक्स भी सेम है, नीचे के बॉक्स भी सेम है, कैसे बच्चों, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी एम क्रॉस एम है, यानी दोनों ऊपर के बॉक्स, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन भी समान है और वर्टिकल लाइन भी समान है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी लिख दें एक दो तीन चार, और सारे का वर्ग करें बच्चों। देखिए वन का वर्ग बच्चों वन होगा ठीक है बच्चों, टू का वर्ग चार होगा बच्चों, तीन का वर्ग बच्चों नौ, चार का वर्ग बच्चों सोलह, सोलह और नौ बच्चों पच्चीस, पच्चीस और चार बच्चों उनतीस, और एक कितना, तीस। यानी नंबर ऑफ वर्ग की संख्या जो बच्चों वो कितना होगा, तीस। यानी आपके पास बॉक्स यानी कि ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, तो आप आराम से कर सकते हो बच्चों कितना, थर्टी। तो लेकिन आप जब कभी ऐसा सोचता है कि ऊपर की संख्या ज्यादा हो जाए नीचे की संख्या कम, तो वही सवाल मैं आपके पास कर रहा हूं बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं धीरे। देखिए बच्चों देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल चल रहा हूं बच्चों। देखिए बच्चों अब क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना कि वर्ग की संख्या ज्ञात करें, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, नंबर ऑफ स्क्वायर जब पूछा जा रहा है तो बहुत ही आसान है बच्चों, क्या करेंगे सबसे पहला काम, देखिए एक दो तीन चार, ऊपर बॉक्स गिने चार, नीचे की बॉक्स एक दो तीन चार पांच, तो यानी बराबर नहीं है, ऊपर चार नीचे पांच। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि देखिए ये हम एरो देते हैं, एक दो तीन चार,
एक दो तीन चार, बस ये कर दिए मैंने, इसको लास्ट में काउंट करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, एक दो तीन चार, यानी कि ऊपर की बॉक्स और नीचे की बॉक्स ये दोनों को इक्वल करूंगा मैं। उसके बाद देखिए नंबर देंगे एक दो तीन चार। प्रोसेस अभी जानते हैं क्या करेंगे, वन का वर्ग वन, टू का वर्ग बच्चों चार, तीन का वर्ग बच्चों नौ, चार का वर्ग बच्चों सोलह। अब देखिए जो बॉक्स बचे हैं, बॉक्स बचे हैं बच्चों एक दो तीन चार देंगे नंबर बच्चों, जो जो बॉक्स बचे हैं नंबर देंगे एक दो तीन चार। अभी देखिए बच्चों सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस और चार उनतीस, और एक कितना तीस। अब इधर गिनेंगे बच्चों चार तीन सात दो नौ और एक कितना दस, यानी तीस प्लस दस यानी नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितना चालीस। यानी ऊपर के बॉक्स सेम करेंगे, नीचे के बॉक्स सेम करेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, जो बच्चे होंगे उनको नंबर देंगे एक दो तीन चार, और सारे नंबर को जोड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे बच्चे कितना होंगे चालीस। एक सवाल चलता हूं मैं, इसके बाद मैं प्रीवियस सवाल आपके बुकलेट से रखूंगा बच्चों। कैसे एग्जाम में पूछते हैं सो सवाल, पहले कभी बेसिक सवाल दोबारा से, चलिए बच्चों नंबर ऑफ वर्ग। सबसे पहले एक दो तीन है, एक दो तीन चार, यानी ऊपर में तीन खाने नीचे में चार खाने हम लोग बराबर देंगे बच्चों। देखिए ऐसे ऊपर भी तीन नीचे भी तीन हो गए, इसको बाद में कौन, वन टू थ्री, वन का वर्ग बच्चों वन, टू का वर्ग बच्चों यानी कि चार, तीन का वर्ग बच्चों नौ, नौ चार तेरह और एक कितना बच्चों चौदह हो चुके हैं। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे एक दो तीन एक्स्ट्रा वाले, तीन दो पांच अब कितना छह, यानी कि छह इधर हुआ और चौदह इधर, टोटल नंबर ऑफ यानी वर्ग की संख्या कितना बच्चों बीस। अब हम लोग चलते हैं कहां, प्रीवियस क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए इस तरह का सवाल है, इसमें पूछ रहा है वर्ग की संख्या। तो प्यारे बच्चों जब वर्ग की संख्या पूछ रहा है ध्यान देंगे हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं दोबारा से। देखिए बच्चों अगर ऐसा है, ठीक है बच्चों क्या ऐसा है, अब देखिए गिनना इसमें काफी आपके लिए दिक्कत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं इसमें ऐसा बना दूं, ठीक है इसमें पूछा रहा है वर्ग, ध्यान दें बच्चों एक दो तीन चार कितना एक पांच। तो अगर ऐसा फिगर जहां भी होगा बच्चों वो कितना यानी पांच लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से गौर समझिए, ये देखिए ये पहले बड़े वाला फिगर में आइया, ठीक है बच्चों देखिए ये तो एक दो यानी कि बराबर है, यानी कि चार और एक पांच, सेम बच्चों देखिए इसमें भी है वही पांच और पांच दस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्गों की संख्या कितना होगा बच्चों यानी कि दस। तो अब हम लोग यानी किताब से क्वेश्चंस में चल रहा हूं, और देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस आ रहे हैं बच्चों। देखिए प्रीवियस सवाल में मैं दोबारा देखिए कैसे कर रहा हूं, वो भी आप देखो ध्यान से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सवाल, मैं कॉपी भी कर रहा हूं। देखिए बच्चों इसमें बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ वर्ग की संख्या, बच्चों देखिए जब नंबर ऑफ वर्ग की संख्या, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन यानी कि ऊपर की संख्या बॉक्स की समान नीचे भी समान, तो मैंने बताया था नंबर दे लेंगे पहले एक दो तीन, उसके बाद वर्ग कर देंगे, यानी देखिए दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर, ये बच्चों नौ, ये बच्चों चार, ये नौ एक दस और चार कितना बच्चों चौदह, यानी इसमें नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितना चौदह। तो प्यारे बच्चों मैं सारा सवाल आपका बेसिक ही चल रहा हूं जो पीछे बताया है। अब देखिए ध्यान से आप लाइन देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में आपके पास लिख रहा हूं बच्चों ए टू जेड सवाल में लिखता हूं बच्चों, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम जरा सा भी ना हो, क्योंकि मैं किताब से क्वेश्चन चलता हूं यानी बुकलेट से। देखिए ये क्वेश्चन जो है
पूछ रहा नंबर ऑफ वर्ग यानी स्क्वायर पूछ रहा बच्चों। तो क्या करेंगे देखिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी ऊपर भी लाइन सेम, नीचे भी बॉक्स की संख्या सेम बच्चों। देखिए नंबर देंगे बच्चों 1 2 3 4, 1 का वर्ग बच्चों 1, 2 का वर्ग बच्चों यानी कि 3 का वर्ग बच्चों 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग बच्चों 9, 2 का वर्ग 4 और 1। देखिए सबको जोड़िए बच्चों, 16 4 20 ठीक है, और 9 1 10 यानी 20 और 10 कितना बच्चों 30, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी बच्चों। देखिए कैसे मैं यूज ले रहा हूं, ध्यान समझना बच्चों। देखिए ये वाला फिगर, देखिए ऐसा वाला में कितना 5, कैसे 1 2 3 4 एक बड़े वाला यानी कितना वर्ग हो चुका है बच्चे 5। देखिए आएगी नहीं, ये बच्चे 1 6, ये बच्चे 1 7, ये बच्चे 8 9 10 11। 11 के बाद देखिए बच्चों ध्यान से, 11 के बाद जो है बच्चे ये 1 12, अब देखिए ध्यान से 12 के बाद ये 1 बढ़ जाएंगे कितना 13। अब 13 के बाद जो बच्चे हैं देखिए, मैं एक एक्स्ट्रा बन रहा है, देखिए मैं उस पर लकीर चला रहा हूं बच्चों, देखिए ध्यान से 1 वर्ग ये बन रहा है यानी 13 और 1 कितना 14 होंगे बच्चों, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे बच्चों कितना 14। दोबारा देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 ठीक है बच्चों, 4 5 6 यहां तो ठीक है, इसके अंदर यानी 5, तो 6 5 11, जब ये बढ़ाएंगे बच्चों 1 ये बन जाएगा 11 1 12 बच्चों, ये किधर बढ़ाएंगे 13, और एक देखिए अंदर वाला एक बना है बच्चे एक्स्ट्रा, इस पे लकीर बनाया हुआ है, तो 13 1 कितना 14। तो नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या बच्चों कितना होती है 14। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग धीरे धीरे सवाल टोटल बताया मैंने कि जो सवाल मैं करवा रहा हूं बच्चों वो सारा का सारा यानी प्रीवियस ही है, हम कंटेंट में विश्वास रखते हैं, वो भी कंटेंट कैसी है चीज जो एग्जाम में पूछे गए बच्चों। देखिए हम ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है बच्चों, हम ध्यान से देखिए आप, चलिए पहले बच्चों देखिए आपके पास सवाल आ गए हैं, जानते हैं अगर अपने बचपन में बहुत सारे बच्चे इसको अगर पहचानते होंगे, देखिए 12 गोटी वाला खेल है वही वाला नंबर, आप ध्यान से देखिए 12 गोटी का खेल वाला, ये आपने बचपन में अगर खेला होगा यानी मिट्टी वाला यानी कि जो गिट्टी से खेलते हैं हम लोग वो वाला स्कीम है। देखिए 12 गोटी वाला इसमें पूछा है ना कि वर्गों की संख्या क्या होगी बच्चों, तो वर्गों की संख्या क्या होगी ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए पहले हम लोग देखिए बॉक्स गिन, देखिए ऐसा बॉक्स 1 2 3 4 बॉक्स है, नीचे भी 4 बॉक्स है, तो प्यारे बच्चों बॉक्स की संख्या बराबर है देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4। देखिए 4 का वर्ग 16 बच्चों, 3 का वर्ग 9 बच्चों, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 जोड़िए 16 9 25, 25 4 29 और 1 बच्चों कितना 30। अब कुछ एक्स्ट्रा भी बन रहे हैं, मैं केयर कर रहा हूं देखिए ध्यान से, आप देखिए मैं उस पे लगा दे रहा हूं, ये भी स्क्वायर बन रहा है, इसकी काउंटिंग नहीं हुई है, देखिए ध्यान से बच्चों 1 ये आ चुके हैं, अब देखिए ध्यान से 1 ये 2 हो चुके हैं, अब देखिए ध्यान से बच्चों ये 3 और ये 4 और ये बड़ा वाला यानी 30 और 5 कितना बच्चों यानी 35, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्गों की संख्या बच्चों कितना होंगे 35। इस तरह से सवाल आपके पास चल रहे हैं, ध्यान से देखिए अच्छे ढंग से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।
चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल कैसे चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं वो ध्यान दीजिए आप। देखिए इसमें पूछा जा रहा है बार की संख्या, ध्यान समझिए बच्चों। एक दो तीन, एक दो तीन, यानी ऊपर की बॉक्स भी सेम, नीचे की बॉक्स भी सेम। पहले इसका काम करें बच्चों, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर वन बच्चों, टू का स्क्वायर फोर, तीन का वर्ग नौ, नौ एक दस और चार कितना बच्चों, चौदह हो चुका है। अब चौदह के बाद देखिए ये भी वर्ग है बच्चों, एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग है, यानी एक दो तीन चार। तो चौदह और चार कितना बच्चों, अठारह। यानी कि इस फिगर में हमारा जो वर्ग की संख्या है वो कितना बच्चों, अठारह है। तो इस तरह से आप सवाल बनाएं और देखें किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं एक सवाल आपके पास रख लूं वर्ग की संख्या, देखिए ध्यान से आप। ध्यान से देखिए बच्चों, आप सवाल कभी भी आपका मिसप्रिंट नहीं होगा। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छी सवाल और अच्छे कंसेप्ट के सवाल चल रहे हैं, वो भी टोटल का टोटल बच्चों क्या चल रहा है, प्रीवियस। आप देखिए ध्यान से सवाल, स्क्रीन पे आपके पास दिख रहा होगा सवाल, आप क्या करें, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वर्ड। देखिए नंबर ऑफ वर्ड, देखिए सबसे पहले एक दो तीन, एक दो तीन चार है। तो प्यारे बच्चों जब ऐसी स्थिति मेरे पास बन चुकी है तो नहीं बन पा रहा है, तो सबसे पहले देखिए ये तीन, देखिए यहां अंडरलाइन कर दिया मैंने, एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स, एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स, यानी वन का स्क्वायर बच्चों, टू का स्क्वायर और कितना स्क्वायर बच्चों, थ्री का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर बच्चों नौ, दो का स्क्वायर चार, एक नौ एक दस और बच्चों चार कितना हो चुका है, चौदह। तो यानी चौदह हो चुका बच्चों। अब देखिए एक ये दो तीन, तीन दो पांच और एक छह, तो चौदह और छह कितना बच्चों, बीस हुआ है। अब बीस के बाद भी आपके पास यानी कि एक्स्ट्रा है, तो बच्चों एक्स्ट्रा जो है वो ध्यान से देखिए मैं कहां पे रख रहा हूं और कौन से यानी एक्स्ट्रा चल रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए ठीक है बच्चों, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों 20 और 1 21 हो चुके हैं। देखिए बच्चों जब 21 हो चुके हैं तो कुछ फिगर आपके पास यानी हिडन है। अब हिडन जो बच्चों वो हमको देखना है कि कौन सा फिगर में किस प्रकार हिडन बन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से आप, देखिए बच्चों हम लोग यहां यानी 21 तक आ चुके हैं बच्चों। देखिए मेरे पास अभी भी फिगर हिडन है, देखिए मैं उस पर डबल लाइन चला रहा हूं, पूरा मोटा कर दे रहा हूं वहां पे। देखिए एक ये भी एक बच्चों वर्गीय है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ग है यानी कि, और देखिए सेम एक वर्ग यहां भी यानी कि, देखिए ध्यान से एक वर्ग यहां और एक यहां दो, और 20 पहले से एक ये बड़ा वाला यानी कि दो, और टोटल नंबर ऑफ वर्गों की संख्या बच्चों कितना होगा, 23। यानी टोटल नंबर ऑफ जो वर्ग होंगे बच्चों वो कितना होंगे, 23 बच्चों। चलिए बच्चों अब देखें सवाल ध्यान से देखिए, इसमें पूछा रहा है नंबर ऑफ वर्गों की संख्या। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए फिगर, आपको मैंने पीछे बताया है कि देखिए ध्यान से ऐसा रहता है, तो यानी पांच एक दो तीन चार पांच, देखिए इस बॉक्स पे भूल जाइए अभी, देखिए ऐसा ये वाला बॉक्स देखिए ध्यान से, तो ऐसा एक दो तीन चार पांच। लेकिन अब बच्चों जब पांच हो चुके हैं, देखिए एक बार और एक दो बार हो चुके हैं, ठीक है बच्चों ध्यान से,
ध्यान से बारीकी समझिए, कहीं भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएंगे। ध्यान समझिए बच्चों, देखिए एक दो तीन चार एक पांच, अब देखिए छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी कि ध्यान से देखिए एक दो और दो इसमें दो चार छह और दो आठ, पांच पहले से यानी कि आठ पांच बच्चों कितना तेरह, यानी कि नंबर ऑफ यानी वर्ग की संख्या कितना बच्चों तेरह। आप इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें दोस्तों, और जितना जितना हो सके आप शेयर करें और जितना ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपका एक से एक कंटेंट दूंगा जो आपको कहीं भी कोई चैनल पे नहीं मिलेगा। इस तरह से आप बन रहे हैं। अब जो है मैं विदा लेता हूं, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं मैं एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।